हेलो दोस्तों, आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा आपको 2023 में आईफोन 12 लेना चाहिए या फिर नहीं, और लेना चाहिए तो न्यू ले या फिर सेकेंड हैंड या रिफर्बिश। सबसे पहले आईफोन 12 के प्रोसेसर की बात करते हैं। आईफोन 12 में A14 का बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है और इसमें iOS 17 का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये फोन 3 साल पुराना फोन है, तो इसमें दो अपडेट और मिलेंगे, iOS 18 और iOS 19। एप्पल अपने हर फोन को 5 साल तक अपडेट देता है, उसके बाद सिक्योरिटी अपडेट देता है। इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 64 GB, 128 GB, 256 GB, और इसमें 4 GB की रैम देखने को मिलती है। इसके फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, इसके फ्रंट कैमरा में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, और वहीं इसके रियर कैमरा में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। दोनों कैमरा 12 12 मेगापिक्सल के हैं और इसकी डिस्प्ले 6.1 इंच की सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले देखने को मिलती है, और इसकी बैटरी 2815 mAh की है। आईफोन 12 5G सपोर्ट करता है। अब इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। अगर आप इस फोन को न्यू लेते हैं तो आपको इसे 35,000 से ज़्यादा का नहीं लेना है। अगर आप इसे रिफर्बिश ले रहे हैं तो आपको इसे 30,000 के आसपास लेना चाहिए। अगर आप सेकेंड हैंड आईफोन ले रहे हैं तो सबसे पहले उसकी आप बैटरी हेल्थ चेक कर लें, उस हिसाब से आप उसकी प्राइसिंग लगाएं। तो आपको उसकी कंडीशन के हिसाब से प्राइसिंग लगानी है। अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तो इसे आप 25 से 30 हज़ार के बीच में ही लें। अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।